भाई ये सुसाट क्या होता है? अंग्रेज लोग जब मरते हैं तो उसे सुसाट कहते हैं। कहते हैं प्रेम की धमक केदारनाथ साहब की तरह होनी चाहिए, पहचाने सब जाने कोई ना। प्रेम वाली बात रख ली गई और केदारनाथ साहब को जाने दिया गया। केदारनाथ कौन? केदारनाथ सहगल, हिंदी फिल्म उद्योग का वो चरित्र अभिनेता जिसने 500 से ज्यादा ही फिल्में की, मगर उसके बारे में जानकारी बस इतनी है कि वो 2013 में मर गया। याद दिलाने की कोशिश करूं तो बस एक ही दृश्य जहन में आता है, फिल्म शोले के प्रसिद्ध पानी की टंकी वाले दृश्य में जो अपने साथी से कहता है कि अंग्रेज लोग जब मरने जाते हैं तो उसे ही सुसाइड कहते हैं। यदि अब भी आप केदारनाथ सहगल को पहचानने में असमर्थ हैं तो भी बुरा ना मानिए, ये आपकी गलती नहीं है। केदारनाथ जी जाने और पहचाने जाने से ज्यादा देखे जाने वाले कलाकार रहे। ये है केदारनाथ सहगल, 500 से भी ज्यादा फिल्मों में ब्लिंक एंड मिस किरदार निभाने वाले कलाकार। केदारनाथ सहगल ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत पृथ्वीराज कपूर अभिनीत 1941 के फिल्म सिकंदर से की थी। कलाकारों की सूची में केदार जी का नाम ना होने का सिलसिला जो चला वो कई दशकों तक बदस्तूर रहा। जीवन पर्यंत केदार जी झलक भर का किरदार निभाते रहे। अब इन्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। ये शरीफों का मोहल्ला है, हैंड्स अप, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं, ये तो पुलिस केस है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन जैसे संवादों को कालजयी बनाने के पीछे केदार जी की बड़ी भूमिका रही है। बाज दफा वही इन संवादों के पीछे खड़े किरदार होते थे। 70 एवं 80 के दशक की फिल्मों का तो ये आलम था कि केदारनाथ सहगल हर दूसरी फिल्म का हिस्सा होते थे। शोले, जंजीर, डॉन सहित लगभग 500 फिल्में करने वाले केदार साहब की कद काठी ऐसी थी कि वो 50 साल किसी भी किरदार में फिट बैठते थे। जेलर, डॉक्टर, वकील, जज, पड़ोसी, ग्रामीण व्यवसायी, होटल मैनेजर, क्लब मालिक, इंस्पेक्टर इत्यादि, शायद ही कोई ऐसा किरदार हो जो 60 साल के अपने फिल्मी सफर में केदार साहब से अछूता रह गया हो। इनकी भूमिकाएं इतनी छोटी होती थी कि दर्शक इन्हें नोटिस तो करता था पर याद नहीं रख पाता था। सह कलाकारों की शायद यही नियति माया नगरी ने तय की है। 90 के दशक में जब टीवी का दौर आया तो केदार जी ने व्योमकेश बख्शी सरीखे धारावाहिकों में भी काम किया। कुछ फिल्मों के अलावा अगले दशक में केदार जी कैमरे से दूर होते चले गए। स्वास्थ्य कारण भी प्रमुख रहा। वर्ष 2013 में केदार सहगल उर्फ सहगल साहब उर्फ केदारनाथ साहब का निधन हो गया। उनके निधन के दिन उन्हें मुंबई ने याद किया, उससे पहले नहीं। वैसे भी याद रखने के लिहाज से मुंबई काफी संकरी जगह है। दिक्कत फिर भी कोई नहीं है क्योंकि केदार सहगल जैसे कलाकार फिल्म प्रेमियों के जहन में रहने के लिए होते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।